फ्रेंड्स, ये है हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये महाकबाड़ी स्कूटर है, इसको ना लें। इसके बम्पर एजेंसी में नहीं मिलते हैं। ये फाइबर क्वालिटी है इसकी, ये देख सकते हैं पूरा टूटा हुआ है। मजा शानदार है ना। अच्छा, ये महाकंडम स्कूटरी है। यहाँ तक इसके ब्रेक शू हैं ये नहीं मिलते, ना तार मिलता है इसका, तो आप काफ़ी परेशान होंगे। तो इसके चलते आप इस हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर ना लें। हम तो बहुत परेशान हैं, इसलिए हमने वीडियो बनाया ताकि अगला जो बंदा हो वो परेशान ना हो इसको लेके। ये सब महा बेकार स्कूटर है, इसका मीटर भी नहीं चलता है। इसका मीटर वगैरह जो है ये प्लास्टिक वगैरह, महा बेकार क्वालिटी है। फाइबर जो फाइबर क्वालिटी इसका, मतलब कितना कह दूँ ख़राब है कि मतलब एक आम नॉर्मल प्लास्टिक नहीं खराब हुआ जितना ये प्लास्टिक खराब। तो मैं बताना चाहूँगा कि हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर ना लें, क्योंकि ये देख रहे हैं इसके बल्ब वगैरह सारे निकले पड़े हैं। ऐसे ही है कि मतलब ये थोड़ा सा भी रोड पे खड्डा वगैरह होगा उसमें आपका ऐसा सारा टूट जाएगा। तो कहूँगा कि ये सही नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, ये इसका ये स्पीड जो एक्सीलेटर का जो ये होता है मुट्ठा, ये हमारा निकल गया था। तो हमने इसको एजेंसी में ही 500 रुपये का डलवाया और हमें कोई भी क्लेम मतलब कभी क्लेम वगैरह नहीं मिल रहा है। तो हमें अभी हमने गया था एजेंसी में, तो फिर से कह रहे हैं हमारे पास इसका कोई पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम क्लेम कैसे करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर ना लें, क्योंकि आप लेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए आप हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर ना लें। क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, परेशान होकर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग ना परेशान हो हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके। अब अगर अलग कोई कंपनी है उसके बारे में कुछ देखो समझो तो ले सकते हो, वरना ये हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर ना, मैं तो कहूँगा कभी ना लें, क्योंकि सबसे गंदी कंपनी है हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओके गाइस, तो